प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सुनाएंगे आपको एक एकांकी जिसका शीर्षक है मिलकर रहने में सार। एकांकी के पात्र हैं प्यारे बच्चों गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली, तना, जड़। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको बगीचा दिखाई दे रहा है ना? इस बगीचे को ध्यान से देखिए, इसी के ऊपर आज है एक एकांकी। जी मैडम सुनाइए। हाँ मैडम सुनाइए ना। तो ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही एक तितली उड़ रही है। उस तितली से गुलाब का फूल कहता है, देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मनभावन है। तो तितली ने कहा, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। गुलाब का फूल इतराते हुए बोला, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूँ, लोग मुझे देखकर मेरी ओर बार बस खींचे चले आते हैं। इस बात को सुनकर कांटा ने अकड़ कर कहा, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़ कर ले जाता, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर पत्ती ने कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है, तुम यह भूल रहे हो कि मैं ही तुमको खाना देती हूँ, यदि मैं भोजन बनकर तुम लोगों को न खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट होगे। पत्ती की बात सुनकर कांटे ने कहा, तुम क्यों इतना इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। डाली ने कहा, हाँ हाँ हाँ, किसी के सारे सच का, मैं ही तो पत्ती को साथ रखती हूँ, यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूं तो जमीन पर धूल चाटेगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर कांटा और डाली पत्ती की हंसी उड़ाने लगते हैं। इस बात को सुनकर तना ने तनकर बोलता है, पत्ती डाली फूल इतना मत इतराओ, अगर मैं तुम को सहारा न दूं तो तुम कहाँ रहोगे, मैं तुम सबको पानी और भोजन नहीं पहुंचाऊं तो सोचो तुम्हारा क्या दशा होगी। जड़ ने कहा, रुको रुको, तुम सब अपनी सेखी बघारना तो बंद करो, मैं कब से सुन रही हूँ, क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो। अरे अगर मैं मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने को नहीं दूं तो तुम तक क्या पहुंचेगा, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। इस बात को सुनकर पत्ती ने कहा, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी बाहर न निकालूं तो तुम सड़ जाओगी जमीन में ही। जल ने इतराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम सबसे अलग हो जाती हूँ, अब जी कर दिखाओ। और प्यारे बच्चों, जड़ हो जाती है इन सबसे अलग। तना, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। तना अलग होकर गिर जाता है। फूल पत्ती डाली सभी तड़पने लगते हैं। तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। तितली जड़ से कहने लगी, जड़ बहन ऐसा मत करो,
इस तरह लड़कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के समान सबको पालती पोसती हो। तुम इतनी बात का बुरा मत मानो, ये तो ना समझ है। जड़ ने सोचा, सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ में ही क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हो गई। तना ने कहा, मुझे माफ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो। फूल पत्ती और डाली सभी मिलकर कहते हैं, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। तितली ने कहा, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ है, अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की जरूरत है। आप उसमें मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है, सबकी भलाई है। हाँ प्यारे बच्चों, इस पर देखिए चार पंक्तियाँ। नहीं लड़ाई कभी करे हम मिलकर रहने में है सार, समृद्ध का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। तो प्यारे बच्चों, इस एक अंकी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? मैडम हमें से यह सीख मिलती है, हमें हमेशा मिलकर ही रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही मोहन बताया तुमने, हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए हमें हमेशा सबका सहयोग करना चाहिए और हमेशा मिलकर रहना चाहिए। मैम बिल्कुल सही मोना, तुमने समझा। अब ये बताओ, पत्ती क्या कार्य करती है? पत्ती भोजन बनाने का काम करती है और जड़ों में जमा पानी को बाहर निकालने का काम भी पत्ती ही करती है। बिल्कुल सही बताया मोना। आप तुम बताओ मोहन, तने का क्या काम है? तना डाली पत्ती फूल फलों और कांटों को भोजन पहुंचाता है तथा इनको सहारा भी देता है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, गुड बाय।